हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं लूप्स की। तो देखिए, लूप्स क्या होते हैं और इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है पाइथन प्रोग्रामिंग में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कि देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें क्या रहता है कि हमें रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स हमें कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना रहता है। ठीक है, सम प्रोग्राम्स कैन नॉट बी रिटन विदाउट द एबिलिटी टू रिपीट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने फॉर एग्जाम्पल आपसे हम कह रहे हैं कि सपोज कीजिए आपको हमने कहा हेलो, ये जो वर्ड है ठीक है, इसको 10 टाइम्स जो है प्रिंट करना है, 10 टाइम्स रिपीट करना है। ठीक, तो चलिए ठीक है। अब इसमें क्या है, ये अगर आप इसको क्या करेंगे कि सर हम इसको 10 बार स्टेटमेंट दे देंगे इसे प्रिंट, ठीक है, और हमने दे दिया हेलो, क्लियर। फिर हमने कहा कि प्रिंट, और फिर हमने लिख दिया हेलो। इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन पहले आप तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरी बात फेजिबल नहीं है, और तीसरी बात ये है कि मान लीजिए ये तो हमने 10 टाइम्स कहा, सपोज कीजिए हमने कहा कि हेलो को से 1000 टाइम्स प्रिंट करना है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है जिसमें रिपीटेशन जरूरी होती है, टू रिपीट, उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको करने के लिए हमें लूप का यूज करना पड़ता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि लूप्स होता क्या है, देखिए, लूप्स अलाउ अस टू रिपीट एन आर्बिट्रेरी पीस ऑफ कोड्स आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ टाइम्स। यानी लूप क्या होते हैं, लूप हमको ये अलाउ करते हैं कि कितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, मान लीजिए से 1 2 3 4 जितने भी हैं, इन 4 स्टेटमेंट्स को हमें सपोज कीजिए 10 टाइम्स रिपीट करना है, या हमने कहा इन 4 स्टेटमेंट्स को हमें 50 टाइम्स रिपीट करना है, या हमने कहा कि मान लीजिए नंबर ऑफ स्टेटमेंट जरूरी नहीं 4 ही है, मान लीजिए हमने कहा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स से इतने हैं और इन स्टेटमेंट्स को हमें 500 टाइम्स रिपीट करना है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पे रिपीटेशन की जरूरत होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लूप का यूज करते हैं, क्लियर। अब एज फार एज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसर्न, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 तरह के लूप यूज किए जाते हैं। एक तो है आपका, देखिए लूप्स जो है पाइथन में 2 तरह के, एक तो है आपका वाइल लूप, वाइल, और दूसरा होता है फॉर लूप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वाइल लूप एंड फॉर लूप। वाइल लूप में क्या होता है कि द वाइल लूप इटरेट्स थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ कोड टिल ए गिवन कंडीशन इज ट्रू। तो वाइल लूप में क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हमको रिपीट करना है, मान लीजिए ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमें रिपीट करना है, तो ये स्टेटमेंट्स तब तक रिपीट होते हैं जब तक कि कोई कंडीशन जो है, जो भी हम अभी कंडीशन देंगे, इसका फॉर्मेट लिखेंगे, आपको सिंटेक्स लिखेंगे, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है ये स्टेटमेंट्स रिपीट होते रहते हैं। ठीक, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इनका रिपीटेशन रुक जाता है। तो ये तो होता है फाइल लूप, वाइल लूप। फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर लूप में जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनका रिपीटेशन वो गिवन नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये हमने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दे दिए और इन स्टेटमेंट्स को, ये स्टेटमेंट्स किसी कंडीशन पर नहीं डिपेंड करना, हमको इसको 10 टाइम्स इस लूप को चलाना है, यानी 10 बार इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, या हमने कहा इन स्टेटमेंट्स को हमें 50 बार एग्जीक्यूट करना है, या हमने कहा 100 बार एग्जीक्यूट करना, मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन इज फिक्स्ड। तो उस केस में हम फॉर लूप यूज करते हैं, और अगर रिपीटेशन हमको कंडीशन बेस करना है कि कोई कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक वो रिपीट होता रहे, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो रिपीटेशन रुक जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में फाइल लूप का यूज किया जाता है, और अगर नंबर ऑफ रिपीटेशन आपको फिक्स रखनी है तो फॉर लूप का यूज किया जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं वाइल लूप की। तो वाइल लूप, अब देखिए वाइल लूप में क्या होता है कि
पहले हम इसको आपको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो सपोज कीजिए हमने कहा से लाइन नंबर वन में हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ n इक्वल टू, यहाँ हमने लिखा इंटीजर और यहाँ हमने लिख दिया इनपुट। ठीक है, यानी कोई इनपुट हम करेंगे वो n में जाएगा उसकी वैल्यू। सेकेंड लाइन में हमने क्या लिखा, आई इक्वल टू जीरो, ठीक, कोई अपने वेरिएबल लिया आई उसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो। थर्ड में हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने कंडीशन दी कि वाइल, यानी जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन है एन से, ठीक है, आई की वैल्यू एन से छोटी है तब तक आप क्या कीजिए, तब तक हमने कहा यहाँ हमने लिख दिया प्रिंट, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया हेलो। ठीक है, अब देखिए अभी इस स्टेटमेंट इस प्रोग्राम में क्या होगा कि अब इसमें एक चीज देखिए कि द सिमिलरिटी ऑफ द लूप स्ट्रक्चर विद दैट ऑफ एन इफ स्टेटमेंट, द बॉडी ऑफ द लूप इज रिपीटेड टिल द कंडीशन ऑन लाइन थ्री इज ट्रू। अब यहाँ पे जो बॉडी ऑफ द लूप, तो कई स्टेटमेंट तो नहीं है यहाँ पे, बॉडी ऑफ द लूप समझ लीजिए केवल एक ही स्टेटमेंट है, ये तब तक रिपीट होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी जब तक आई की वैल्यू एन से छोटी है तब तक ये हेलो प्रिंट करता रहेगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा, अब मान लीजिए आपने एन में क्या डाला, आपने डाला इनपुट किया वैल्यू 10, तो 10 में क्या होगा कि अब आप ये बताइए कि जब ये रिपीट होगा 0 से और आई इज लेस देन एन तक, यानी आई इज लेस देन 10 तक, तो इस पे एक चीज ध्यान देने की है कि ये बताइए कि जो हेलो वर्ड है वो 9 बार प्रिंट होगा कि 10 बार प्रिंट होगा। ठीक, ये आपको ध्यान देने वाली चीज है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, देखिए अब इसमें सीन क्या है कि इस प्रोग्राम में आप कुछ नहीं बता सकते कि ये 9 बार प्रिंट होगा कि 10 बार प्रिंट होगा, बल्कि ये अनबाउंडेड है। तो ये अनबाउंडेड है मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रिंट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ 0 है एंड आपने 10 दिया है, तो 0 तो हमेशा 10 से कम रहेगा, वो हमेशा ये प्रिंट करता रहेगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे फॉल्ट है। इसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट और बढ़ा दीजिए, आप यहां लिख दीजिए आई इक्वल टू आई प्लस वन। अब ये जो देखिए ये जो अब ये पूरा बॉडी हो गई वाइल की, अब इसमें क्या होगा, आई इक्वल टू जीरो के लिए एक बार हेलो प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी वन हो जाएगा, फिर वन इज लेस देन टेन फिर प्रिंट होगा, ऐसे करते करते जब तक आई की वैल्यू 9 है तब तक ये प्रिंट होगा, यानी 0 से लेकर और 9 तक के लिए हेलो प्रिंट होता जाएगा। तो 0 से आप 9 तक देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, यानी इस केस में 10 टाइम्स जो है हेलो प्रिंट होगा। क्लियर, तो यही बेसिक चीज आपको बतानी थी कि ए लूप मस्ट मेक प्रोग्रेस टुवार्ड्स इस टर्मिनेटिंग कंडीशन, यानी कि कोई भी लूप आप चला रहे हैं तो वो अपने टर्मिनेटिंग कंडीशन की तरफ प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वो लूप चलता रहेगा। तो इसलिए ए लूप मस्ट फॉरवर्ड, और यू कैन से ए लूप मस्ट मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स इट्स टर्मिनेटिंग कंडीशन। ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान देने वाली चीज है। ठीक, अब इसको वाइल लूप को समझने के लिए सिंपली हम मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आई होप कि आपको वाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब वाइल लूप पे बेस्ड एग्जांपल चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, नहीं तो आज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी जो हमने आपको लाइन बताई है वो आप ध्यान रखिएगा, चाहे तो उस लाइन को हम यहाँ लिख भी देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि यहाँ नोट करके लिख सकते हैं कि ए लूप मस्ट प्रोग्रेस
प्रोग्रेस, हमेशा लूप उस तरफ बढ़ना चाहिए, टुवार्ड्स इट्स टर्मिनेटिंग कंडीशन, मतलब हमेशा उस कंडीशन की तरफ लूप को बढ़ते रहना चाहिए जिधर वो टर्मिनेट होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि फॉर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वो लूप चलेगा, ठीक है। तो दैट इज एन दैट दैट विल मेक्स एन एरर। तो आई होप कि आपको ये लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज हमने पहला व्हाइल लूप बनाया है, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।